हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोगों का टॉपिक है क्लॉज आइडेंटिफिकेशन। जैसा आप देख रहे हो एक सेंटेंस है, और सेंटेंस इस बार थोड़ा हटकर लेकर आया हूँ। आपने एक फेमस ब्रिटिश फिलोसफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन और साथ ही साथ हम लोग कर लेते कि एडवोकेट थे, सोशल रिफॉर्म थे, और नाम आपने सुना होगा बर्नार्ड रसल का। और बर्नार्ड रसल का एक फेमस स्पीच है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ऐसे विचार, ऐसे आइडियाज, ऐसे थॉट्स जिसने पूरे मानव जाति को, ह्यूमन काइंड को, या कह सकते हैं मैनकाइंड को क्या किया हो, मदद किया हो। तो उसी में से एक हमारे पास सेंटेंस है और यह शुरुआती लाइन है। फर्स्ट लाइन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, तो कहते हैं बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, चलिए इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने के पहले क्या करना चाहिए, वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन। तो स्वाभाविक यदि हम किसी पॉइंट पर, किसी सब्जेक्ट्स पर यदि हम डिस्कस करने चल रहे हैं, तो उसके पहले क्या करना होगा, हमें कोई कॉन्सेप्शन क्या करना होगा, कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाँ, कर लेना की जरूरत है कॉन्सेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट। इस तरह से एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, एक काइंड का, एक तरह की प्रकार का जो इफेक्ट, एक प्रभाव, ऐसे कॉन्सेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, एक ऐसा प्रभाव जी, उस प्रभाव का प्रकार, दैट वी कैन कंसीडर, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, एक खास तरह का प्रभाव। चूंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग करके जाएंगे, हमें किसी टॉपिक पर डिस्कस करना है, उसके पहले जो हम कॉन्सेप्शन नहीं क्लियर किए, कॉन्सेप्शन दोस्तों कॉन्सेप्ट नाउन से बना है, कॉन्सेप्ट नाउन संकल्पना। हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो हम प्रॉब्लम्स को नहीं सोल्व कर पाते हैं। तो हमें टॉपिक पर डिस्कस करना है तो कॉन्सेप्शन तो क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्शन तो फॉर्म करना ही पड़ेगा। एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, एक ऐसे तरह के, एक ऐसे प्रभाव, एक ऐसे तरह का इफेक्ट और प्रभाव, दैट वी कंसीडर, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ए हेल्प, एक मदद के तौर पर, उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इस इफेक्ट प्रभाव को, एक प्रकार के जो प्रभाव को, तो उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक हेल्प, एक मदद कर सकते हैं। और यह मदद किसके लिए, मेरे लिए नहीं, नहीं पूरे मानव जाति के लिए कर सकते। यही हमारे बर्नार्ड रसल कहते हैं। तो बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, एसी, ये हमारा क्या हो गया, एसी, और वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, क्या हमारा हो गया, और ये आज हमारा कंजंक्शन नहीं है दोस्तों, इसलिए एड टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, ये इफेक्ट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, दैट, अब तो दैट हमको पता है कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट ना, एससी, तो ये हमारा क्या हो गया, एससी। तो अब एक एससी जिगजैग से हो चुका है, चलिए फिर से हम जिगजैग लाइन ही कर देते हैं, दैट वी कंसीडर दैट इज एसी। तो थ्री क्लॉजेस हमको दिखाई दिया, ठीक है ना, तो थ्री क्लॉजेस है, तो हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स होंगे, तीन फाइनाइट वर्ब होंगे। चलो आप पहचानते हैं, वी हमारा एस वन, कैन हमारा फाइनाइट वर्ब बी वन, वी हमारा सब्जेक्ट सेकंड, प्रिंसिपल क्लॉज का पीसी, यहां पर देखो ध्यान से, मस्ट, ऑल यूजुअली आर फाइनाइट वर्ब सेकंड, तो ये फाइनाइट वर्ब सेकंड, वी कंसीडर एस थ्री, और कंसीडर हमारा, चलो तो पीसी है, डबल एससी है, है तो हमारा पीसी एससी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज पर मीनिंग, बात क्या मैंने कहा है, तो हमें याद रखना होगा कि सब्जेक्ट के बाद क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और हम चूंकि एज पर मीनिंग हो गया स्टेटमेंट, और ये हम किसको बता दिया आपको, स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है ना, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हुआ,
एज पर स्ट्रक्चर और एज पर मीनिंग स्ट्रक्चर। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये सेंटेंस जहाँ पर हमने एनालिसिस देखा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।